यहाँ से अपन एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेल आपको डेस्कटॉप पर भी मिल जाएगा। डेस्कटॉप पर कहाँ कैसा कैसे पता लगाएंगे आप? जैसे कि ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर आपके सामने अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसमें से आप देख रहे हैं एक्सेल 2013 लिखा हुआ है। आप इसको कैसे ओपन करेंगे? डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेस्कटॉप पर क्या रहता है, आपके शॉर्टकट्स रहते हैं। जरूरी नहीं है डेस्कटॉप पर ये आपको मिले, अगर आपने रखा है तो ये आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कंप्यूटर में नहीं है। अगर डेस्कटॉप पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आपके कंप्यूटर में नहीं है। अगर आपको डेस्कटॉप पर नहीं मिलता तो फिर आप जाएंगे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। ये होता है आपका स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन ये भी आपका शॉर्टकट होता है। अगर ये आपको यहाँ पर भी नहीं मिलता तो यहाँ पर सर्च बार दी गई है, आप यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है। सॉरी, इसकी अपन स्पेलिंग लिखेंगे। वैसे तो इसका पूरा नाम होता है MS एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013, लेकिन इसका नीचे नाम क्या शो होता है, एक्सेल 2013। तो इसलिए अपन यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल 2013, नीचे आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो आप इस पर क्या करेंगे, क्लिक ओनली आपको क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये क्या है, ये भी शॉर्टकट है। राइट क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ से इसको अनपिन फ्रॉम स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप पर जा रहे हैं। डेस्कटॉप पर भी कैसे पता चलेगा ये इसका शॉर्टकट है किसी भी चीज का, जिस जो भी सॉफ्टवेयर आपके होते हैं उसके साइड में ये इस तरह से एरो बना रहता है। जिसमें भी ये एरो बना है ये सभी क्या है, शॉर्टकट्स हैं। हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पर लेकर आना है तो फिर आप कैसे लेकर आएंगे, स्टार्ट पर जाएंगे हम, ठीक है। स्टार्ट पर जाएंगे और हम यहाँ से सर्च करेंगे एक्सेल, ये सर्च हो जाएगा। सर्च करने के बाद अगर आपको ओपन करना है तो आप क्लिक कर दीजिए। अपन को क्या करना है, डेस्कटॉप पर लेकर जाना है तो आप इसके ऊपर करेंगे राइट क्लिक। क्लिक और राइट क्लिक में अंतर पता है क्या है? राइट क्लिक इस साइड वाली होती है और क्लिक ये वाली होती है। अपन इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिलेगा पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार, अनइंस्टॉल, ओपन इन न्यू विंडो, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ से करते हैं पिन टू स्टार्ट तो आपके यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में ये पिन हो जाएगा, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पिन टू टास्क बार कर देंगे तो आपको ये टास्क बार पर पिन हो जाएगा, ठीक है। अगर खुली रहती है कोई विंडो तो इस तरह से शो करती है, लेकिन ये देखिए इस तरह से शो नहीं कर रही। आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके एक्सेल जो है खोल सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, अनपिन का ऑप्शन आ रहा है, पहले पिन का आ रहा था अब अनपिन का आ रहा है। अगर आपको टास्क बार से हटाना है तो आप यहाँ से भी अनपिन कर सकते हैं या फिर उस पर भी राइट क्लिक करके अनपिन कर सकते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है, लेकिन आप मत करना क्योंकि आप यहाँ से इसको अनइंस्टॉल करेंगे तो ये क्या रहता है, एक्सेल अकेला नहीं रहता है, एक्सेल के साथ इसका पूरा पैकेज रहता है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट सभी। अगर आप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये हटेगा नहीं यहाँ से, रहेगा तो, लेकिन आपको ये दिखेगा नहीं, मतलब सर्च करने पर नहीं आएगा, इसलिए आप इसको कुछ मत करना। राइट क्लिक कर रहे हैं, ओपन न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो इसकी एक नई विंडो आपके सामने खुल जाती है। आप इस तरह से भी खोल सकते हैं। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कब करते हैं, जब आपको इसका कुछ इसको एक्टिवेट करना होता है तब करते हैं। ओपन फाइल लोकेशन, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप पर लेकर जाना है। अभी आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पर नहीं है। डेस्कटॉप पर क्यों लेकर जाना है, क्योंकि हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप से खोलना है, इतने अंदर आकर नहीं खोलना। राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करेंगे। इसकी लोकेशन आपको जहां पे भी ये इंस्टॉल होगा इसकी लोकेशन आपको बता देगा, ठीक है। प्रोग्राम डाटा के अंदर माइक्रोसॉफ्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर विंडोज नाम का फोल्डर है, स्टार्ट मेन्यू प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा, पहले से सिलेक्ट करके देगा। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन आ रहा है सेंड टू, यहाँ से आप कर देंगे डेस्कटॉप तब भी इसका शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करके आप इसको यस कर देंगे तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पर डेस्कटॉप पर इसका शॉर्टकट आ जाएगा, ठीक है। कर लेंगे, अपन को टास्क बार पर नहीं करना है इसको पिन, राइट क्लिक कर देते अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार
कर देते हैं। अब हम इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप टास्क बार यहाँ से डेस्कटॉप से ही इसको ओपन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये होता है हर जगह से आप इसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप पर रहता है तो आप ओनली इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर टास्क बार पे है, स्टार्ट मेन्यू में है, या फिर आप यहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, तो यहाँ पर क्या रहता है, ओनली सिंगल ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरह से आएगी एक्सेल की विंडो। इसमें तीन बटन्स होती हैं, इसको अपन कंट्रोल एरिया बोलते हैं, इसके बारे में आगे जानेंगे। यहाँ पर आ रहा है रीसेंट। एक्सेल में अपन वर्क क्या करते हैं, आपका जो डाटा रहता है उसको पूरी तरीके से आपको मैनेज करना है, इसमें लिस्ट बनानी है, जैसे कि सैलरी लिस्ट, प्रेजेंट लिस्ट और अलग अलग टाइप की लिस्ट होती है, सभी का डाटा आप एक साथ उसमें रखना चाहते हैं, टेबल वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें एक्सेल का यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, आप फॉर्मूलों की मदद से आप इसमें अपना जो डाटा है उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिसेंट में क्या आ रहा है, रिसेंट में आ रहा है जो आपने पहले फाइलें इसमें कुछ बनाई होंगी, जैसे आप डाटा बनाओगे इसमें तो क्या रहेगा, उसको आप सेव करते जाओगे ताकि आप आगे उसको यूज कर सको। तो जो भी फाइलें आपने इसमें सेव की होंगी वो आपको यहाँ पर शो करेंगी, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। अभी अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो और ये क्या आते हैं, हम इसी पर डबल क्लिक कर रहे हैं। रिसेंट में क्या है, पहले से कोई सेव की हुई सीट है, आपने रिसेंट में उसको ओपन किया होगा, तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। और ये क्या है, ये होते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स मतलब आपको आपका जो डाटा है वो किस तरह का बनाना है। अगर आप यहाँ से ब्लैंक वर्क बुक सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने डाटा कुछ भी नहीं आएगा, मतलब खाली एक सीट आएगी। लेकिन आपको इसमें कोई कैलेंडर बनाना है, और नीचे चलते हैं अपन कुछ अलग टाइप के फॉर्मूले ट्यूटोरियल या कुछ बनाना है, आपको ये चार्ट वगैरह बनाना है, तो ये कैसे आएंगे, अभी हम आपको ब्लैंक लेकर दिखा देते हैं। जैसे कि अगर आप ब्लैंक पर बुक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से आएगा, एकदम खाली आ रही है, इसमें ना तो कुछ लिखा हुआ है ना ही कुछ है, बस आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से इस तरह का कोई डाटा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको ये लेना है, तो आपने क्या किया, इस पर क्लिक किया, क्लिक करेंगे तो पहले तो ये ऑप्शन नहीं दे रहा था जब अपन ने ब्लैंक ली थी, इसमें क्यों दे रहा है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन आते हैं। अपन यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, और ये कुछ बोल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, अच्छा ये डाउनलोड नहीं हो रहा, अपन इसको बैक कर देते हैं और दूसरा लेकर देखते हैं। ठीक है, जो भी आपको लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे, इस तरह से इंटरफेस बोले मतलब बताएगा कि इस तरह से दिखेगा आपको, उसकी साइज बता रहा है, ये इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप इनको नहीं ले सकते। अपन यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके सामने इस तरह से आएगा। अब ये क्या है, आप इसमें कोई भी एडिटिंग करके आपका डाटा फिट कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये लिखा अबाउट दिस टेम्पलेट्स, इसमें से ये हटाकर आप अपना डाटा इसमें मैनेज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, इसको बस आपको हटाना पड़ेगा डाटा को, जैसे कि अपन इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पर अपना डाटा फिट कर सकते हैं, लेकिन जिस टाइप का आप टेम्पलेट यूज करेंगे उस टाइप का ही ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के आपको मिल जाते हैं। सजेस्टेड सर्च में बिजनेस पर्सनल किस टाइप का आपको लेना, आप यहाँ से वो टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये कैलेंडर बनाना है, आपने इस पर क्लिक किया, क्रिएट कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर ये कैलेंडर आने लगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ईयर चेंज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जो भी आपको कैलेंडर ईयर लेना है ईयर चेंज करनी पड़ेगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाए बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपको बस अपना डाटा फिट करना रहता है। और अगर आप यहाँ से न्यू पर जा रहे हैं, ब्लैंक लेंगे, तो क्या होगा कि एकदम खाली सीट आएगी, आप पूरा जो फॉर्मेट है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, कैसे करना है इसको ओपन, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और अपन यहाँ से ब्लैंक वर्क बुक सिलेक्ट करेंगे। इसमें ये जो सबसे ऊपर पट्टी होती है, बताइए इसे क्या बोलते हैं, टास्क बार, टाइटल बार, टास्क बार तो नीचे होती है। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर होती है इसको अपन बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के साइड में ये जो एरिया होता है इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसको इसलिए, यहाँ पर ये टाइटल होता है, आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखा रहता है, अभी बुक बना रहे हैं, लेकिन जब आप इसको किसी नाम से सेव करेंगे तो यहाँ पे अब वो नाम सो होगा, इसलिए अपन इसको टाइटल बार
बोलते हैं। इसके बाद टाइटल बार के साइड में ये जो एरिया आ रहा है इसको अपन क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर आप वो सभी सॉफ्टवेयर्स रख सकते हैं जिनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप ओनली एक क्लिक से आपको वो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इसके साइड में आपको ये एरो बना हुआ दिख रहा है, इसे अपन बोलते हैं ड्रॉप डाउन एरो। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने